कहाँ जा रही है मुंह छुपाकर? आज जो परिवार की बेइज्जती हुई है ना, उसकी वजह तू है पल्लू। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई उस बार में जाकर नाचने में? शौक से नहीं नाचे थे हम, मजबूरी थी हमारी। कृष के पैसे किसी ने लूट लिए थे, हम इसलिए मदद करने। कैसे पता? तू तो घर में थी ही नहीं पल्लू। आप आए, तुम तो हमें हमारी कामयाबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी ना, तुम्हें कैसे पता लगा कि हमारे पैसे लूट गए हैं? बात करके रो रही थी और हमने वो सारी बातें सुन ली थी। तो फिर तूने झूठ काहे बोला कि तू लखनऊ गई है परीक्षा देने? क्योंकि हमें 1,00,000 रुपए ऑफर किया गया था, पर हमें तब नहीं पता था कि काम क्या है। हमें लगा कि हम 1 हफ्ते में पैसे कमा के कृष को दे देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कैसे कैसे लोगों से संगति है पल्लू तेरी, जो तुझे इस तरह पैसे कमाने का रास्ता बताते हैं। संगति नहीं, संपर्क बिंदी। जब हम काम ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे थे ना, तब हम इन लोगों के संपर्क में आए थे। तुझे तो पता ही होगा ना, जब इंसान को मजबूरी होती है तब वो टर्म्स और कंडीशंस के बारे में नहीं सोचता, जैसे क्रिश ने रेसलिंग के टाइम पर नहीं सोचा। Shut up, पायल। रेसलिंग करने में और ऐसी जगहों पर जाकर नाचने में बहुत फर्क होता है। कोर्स होता है कृष, बहुत फर्क होता है, पर वजह तो एक ही है ना कृष, हम